अब आगे मेरे जीवन में लक्ष्य और भी बड़े हैं, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, मां भारती के लिए। संकल्प भी और ऊंचे हैं और आपका ये प्यार बता रहा है, आप जो मुझे भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के भी जीवन में, अरे चुनाव तो आते हैं जाते हैं, ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये अमरत्व लेकर के आते हैं। साथियों, मोदी देश की गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी की सेवा करने के लिए परमात्मा ने उसे इस धरती पर जन्म दिया है। आप याद करिए, पहले पार्टियां आपका वोट तो ले लेती थी, लेकिन सरकार बनने के बाद उनकी भाषा बदल जाती थी। आप नेता के पास जाते थे तो नेता कहता था, तुम कौन हो? ये सोच, ये अप्रोच मोदी ने बदल दी है। आज केंद्र की बीजेपी सरकार हर देशवासी के दरवाजे पहुंच रही है। और इसलिए आज बंगाल के करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, ताकि कोई गरीब मां अपने बच्चों को भूखे देखने के लिए मजबूर न हो। मोदी मुफ्त राशन भेजता है क्योंकि गरीब का चूल्हा जलता रहे। आज बंगाल की 1.25 करोड़ बहनों को उज्ज्वला सिलेंडर मिला है। चूल्हे से निकलते धुएं से उसके शरीर में, कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं उस मां के शरीर में जाता है। अगर दिल्ली में आपका बेटा आपके लिए बैठा हो, तो ये धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 1.25 करोड़ माताओं को गैस का कनेक्शन देने का काम एक बेटे की तरह किया है। बंगाल में हमने 5 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुलवाए, जिस बैंक के दरवाजे तक गरीब जा नहीं सकता था, दूर से भी बैंक की तरफ देख नहीं सकता था, आज
करोड़ों करोड़ों बहनों का बैंक में खाता खोल दिया है। बंगाल में 50 लाख से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, उनके खाते में ये पैसे सीधे जमा हो रहे हैं। हमने अकेले बंगाल में किसानों के लिए करीब 9000 करोड़ रुपए उनके खाते में भेजे हैं। साथियों, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस का परिवारवाद और कांग्रेस का तुष्टीकरण और दूसरे वाम लेफ्ट लेफ्ट का अत्याचार और अनार्की, इन सारों को मिला दें, ये सारी बुराइयों को एक जगह पे इकट्ठी कर दें, तब बनती है अकेली टीएमसी। कांग्रेस लेफ्ट और टीएमसी ने बंगाल को कैसे तबाह किया, हमारा हावड़ा इसका साक्षी है। एक समय था जब हावड़ा औद्योगिक हब हुआ करता था, यहां की मिलें, यहां के कारखाने, क्या कुछ नहीं था, यहां सब कुछ था। लेकिन पहले वाम लेफ्ट सीपीएम वालों ने और फिर टीएमसी ने सारे उद्योगों को, इंडस्ट्री को ठप करवा दिया। यहां का रेडीमेड गारमेंट सेक्टर भी संघर्ष कर रहा है। किसान मंडी में फसल नहीं बेच पा रहा है, क्यों? वहां भी टीएमसी के